हेलो एंड वेलकम टू क्रिकमेश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस बार IPL UAE में होने जा रहा है। UAE की पिचेस काफ़ी लो और स्लो होती हैं और स्पिनर्स के लिए इसे काफ़ी मददगार माना जाता है और लो स्कोरिंग मैचेस होने की पॉसिबिलिटी यहां पर ज़्यादा है। ऐसे में IPL की कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिनके पास UAE में सक्सेसफुल होने वाली टीम का कॉम्बिनेशन है, सभी टीम्स का क्या वीकनेसेज है और स्ट्रेंथ्स क्या है, उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। हमने UAE को ध्यान में रखते हुए IPL की सारी टीम्स का स्ट्रेंथ, वीकनेसेज और बेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर ये वीडियो बनाया है। हम ऑलरेडी CSK का एनालिसिस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं RCB की, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और हमारी RCB की बेस्ट प्लेइंग 11 कैसी लगी वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं UAE के लिए RCB की टीम कितनी स्ट्रांग या वीक नजर आ रही है। RCB IPL की काफी हाई प्रोफाइल टीम है बट अनसक्सेसफुल रही है अभी तक और उन्हें अभी भी अपने पहले IPL का इंतजार है। हालांकि RCB दो बार IPL फाइनल खेल चुकी है पर दोनों ही बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। इस बार भी उनके फैंस को काफी उम्मीदें होंगी उनकी टीम से, तो क्या इस बार RCB को सफलता मिलेगी या नहीं, आइए देखते हैं RCB की टीम की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेज है और उनके करंट स्क्वाड में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अवेलेबल रहेंगे और कौन कौन प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं रहेंगे फर्स्ट फेज IPL में। ये है RCB की करंट स्क्वाड। RCB के ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे जो कि इनके लिए एक एडवांटेज रहेगा। CSK की टीम की तरह इनके भी सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो दोनों ही टीम के लिए एक एडवांटेज है। RCB की हमेशा से एक स्टार बैटिंग लाइनअप रही है जहां पर विराट और ABD जैसे प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं, और अगर बॉलिंग की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से इनकी बॉलिंग कभी भी मजबूत नजर नहीं आई है। हालांकि इनके पास बॉलर्स भी अच्छे खासे आए और गए, लेकिन एक तरह से ये टीम मैनेजमेंट की कमजोरी ही कही जा सकती है कि उन्होंने कभी भी अपनी बॉलिंग लाइनअप को एक स्टेबल करने पर ध्यान नहीं दिया, जो कि RCB की अनसक्सेसफुल होने की बहुत बड़ी वजह है। तो चलिए देखते हैं इस साल इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। पहले बात करते हैं RCB की स्ट्रेंथ की। तो पहली स्ट्रेंथ RCB की ये है कि हमेशा से ही RCB की जो बैटिंग लाइनअप रही है वो काफ़ी स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप रही है। इसमें ABD, कोहली, फिंच, मोइन अली, इस साल भी आपको स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप ही नजर आने वाली है, जो कि इनकी सबसे बड़ी एक तरह से स्ट्रेंथ कह सकते हैं। दूसरी इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास पावर हीटर्स बहुत अच्छे हैं इस बार, AB तो हैं ही, साथ में फिंच है, मोइन अली है, जो कि मैच को कभी भी चेंज कर सकते हैं, मैच की दिशा को कभी भी बदलने का एक तरह से कैपेबिलिटीज रखते हैं। तीसरी जो इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कि जो ओपनिंग बॉलर्स हैं इनके, जो ओपनिंग स्पेल कराने वाले बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं उनके पास, जो कि ओपनिंग स्पेल में विकेट दिला सकते हैं। डेल स्टेन है, सैनी है, यहाँ तक कि उमेश यादव भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अगर हम ओपनिंग स्पेल की बात करें तो। चौथी जो इनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है इस सीजन में वो है टैलेंटेड अनकैप्ड प्लेयर्स। देवदत्त पडिक्कल, जोश फिलिप और पवन देशपांडे जैसे काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इनके पास, जो कि एज ए बैकअप काम आ सकते हैं। हालांकि देवदत्त पडिक्कल शायद आपको प्लेइंग 11 में हमेशा ही नजर आए। तो ये थी RCB की कुछ स्ट्रेंथ्स। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस की। तो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये IPL UAE में खेला जा रहा है और वहाँ पर स्पिनर्स बहुत ही काम आने वाले हैं। इनके पास अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो एक ही प्रॉपर स्पिनर है, वो है यजुवेंद्र चहल। इसके अलावा कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सके। अदर जो ऑप्शंस हैं वो है पवन नेगी और वाशिंगटन सुंदर। हालांकि एक एवरेज बॉलर माने जा सकते हैं बट पवन नेगी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों एक तरह से नाकामयाब ही होने वाले हैं UAE में। तो एक ही प्रॉपर स्पिनर है इनके पास चहल, जो कि एक बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है RCB की। दूसरी जो इनकी वीकनेस है वो है एक्सपीरियंस नहीं है कोई डेथ बॉलिंग में। फास्ट बॉलर्स ऐसे नहीं है इनके पास जो डेथ बॉलिंग में जिन पे आप भरोसा कर सके। एक सैनी है जिन पे 2019 के IPL में विराट कोहली ने भरोसा किया था, सैनी ने अच्छा डिलीवर भी किया, बट उसके अलावा कोई भी इनके पास ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ऑप्शंस जो हैं सिराज हैं, यादव हैं, स्टेन हैं, रिचर्डसन हैं, बट रिचर्डसन की तो जगह बन नहीं पाएगी प्लेइंग 11 में, तो बचे यादव, सिराज और स्टेन। तो यादव और सिराज को भी प्लेइंग 11 में जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों की अगर परफॉर्मेंसेज हम देखें तो बहुत ही खराब रहा है। तो स्टेन और सैनी मोस्टली प्लेइंग 11 में खेलेंगे, तो स्टेन और सैनी को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये एक तरह से इनकी कमजोर कड़ी है। तीसरी जो इनकी वीकनेस है वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इंडियन बैट्समैन इनके पास बहुत अच्छे नहीं हैं। विराट कोहली के अलावा अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस बैट्समैन है ही नहीं। इसकी वजह से इन्हें बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो 4 प्लेयर्स का स्लॉट होता है उसमें जो बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी बॉलिंग भी कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं इनके पास इंडियन बैट्समैन, वो है पार्थिव पटेल, गुरकीरत मान और शिवम दुबे, यही प्लेयर्स हैं और बाकी कोई इतना बड़ा कोई एक्सपीरियंस इंडियन बैट्समैन है नहीं। ये भी एक इनकी कमजोरी है जिसकी वजह से इनका मिडिल ऑर्डर हमेशा कमजोरी रहता है। चौथी एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो कि
हमेशा से आती रहती है न्यूज़ में, जब भी आईपीएल होता है, जब भी आरसीबी बाहर हो जाती है आईपीएल से, वो है इनइफेक्टिव कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली टी20 के उतने अच्छे कप्तान है या नहीं है बहुत ही डिबेटेबल है, और हमेशा विराट कोहली की टी20 कैप्टनसी की को क्रिटिसिज्म मिलता ही रहता है। और खास करके रीज़न भी इसका यह है कि आईपीएल में वो कभी भी एक स्टेबल प्लेइंग 11 कभी बना नहीं पाते हैं, हमेशा वो चेंजेस में लगे रहते हैं, कभी किसी प्लेयर पे उनको ज़्यादा भरोसा भी नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एक आप स्टेबल प्लेइंग 11 नहीं बना पा रहे हैं अगर आप 4-5 सालों में, तो भी एक टीम को सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले साल तो सिराज हमेशा ही हर मैच में रन्स लीक कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सिराज को करीब 10 से 12 मैचेस खिलाए, जो कि एक दर्शाता है कि ठीक है आप भरोसा किसी प्लेयर्स पे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लगातार ही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो आपको जो बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनको मौका देना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी वजह रही है, सिलेक्शन बहुत बड़ी वजह है आरसीबी की अनसक्सेसफुल होने की। तो ये थी आरसीबी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। आरसीबी की टीम का एनालिसिस करने के बाद हमने उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाया है जो कि यूएई में सक्सेसफुल हो सकती है। आइए देखते हैं वो प्लेयर्स कौन कौन से हैं। हमने प्लेइंग 11 में ओपनिंग में रखा है पार्थिव पटेल और फिंच को, ये ध्यान में रखते हुए कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है बहुत ही कमजोर हो जाता है अगर कोहली ओपनिंग पे आते हैं और एबीडी तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो फिर फिंच की जगह भी नहीं बनती है मिडिल ऑर्डर में। तो कोहली और एबीडी को अगर हम थर्ड और फोर्थ पे रखते हैं तो इस तरह से इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ी मजबूत हो जाती है। और पांचवें पे हमें देवदत्त पडिक्कल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक अनकैप प्लेयर होना मैंडेटरी होता है प्लेइंग 11 में। तो गुरकीरत मान या देवदत्त पडिक्कल में से किसी को सेलेक्ट करना है तो हम देवदत्त पडिक्कल को ही सिलेक्ट करेंगे। मोइन अली हैं छठे नंबर पे, क्योंकि स्पिनिंग पिचेज होगी वहाँ पे, तो क्रिस मॉरिस के ऊपर हम मोइन अली को हमने जगह दी है प्लेइंग 11 में। सातवें पे हमने शिवम दुबे को रखा है जो कि 2 ओवर हमें निकाल कर देंगे पार्ट टाइम। आठवें पे वाशिंगटन सुंदर है, 9वें पे जो तेज गेंदबाज होंगे 2 होंगे स्टेन और सैनी, और चहल 11वें पे आ जाएंगे। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11। इस टीम में आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो ये थी आरसीबी टीम की एनालिसिस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नेक्स्ट वीडियो में किस टीम का एनालिसिस देखना चाहेंगे वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जल्दी हम दूसरी आईपीएल टीम का एनालिसिस लाने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।